ठीक है, सॉल्यूशंस में देखो, अगर हम काम की बात करें क्लास ट्वेल्थ के लिए, सुन लो, क्लास ट्वेल्थ के लिए अगर आप बोर्ड्स के लिए बात करो, ईमानदारी से बताऊंगा, एक शब्द भी झूठ नहीं बोलूंगा, पर्सनल एक्सपीरियंस से, बोर्ड्स के लिए सॉल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? दो टॉपिक, तीन टॉपिक। पहला है मोलैरिटी, सुनते रहना बस, और इनके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं सारे यहीं कराऊंगा अभी। मोलैरिटी, फिर एक है मोलैलिटी, बोलते रहो मेरे साथ, और एक है मोल फ्रैक्शन, बस ये तीन ही है जो यूज होते हैं, आप किसी भी फॉर्मूले में देख लो, मोलैरिटी मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन हो, तो बेवकूफ बनाने वाली बात है कि तुम्हें वो सब करवाऊं, मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज वो नहीं आते, एक क्वेश्चन में भी यूज नहीं होगा गलती से भी, गारंटी इस बात की मेरी है ना। इस अब देखो ट्वेल्थ, अब देखो मोलैरिटी का सिंपल बात करें तो ये होता है, ऊपर क्या लिखते हैं बताओ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या लिखते हैं बताओ बताओ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि मोलैरिटी क्या होता है बताओ तो बता दोगे। अब मेरी बात सुनो, मोलैरिटी के अंदर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम ध्यान रखना, अगर हम यहीं पर थोड़ी और बातें करते हैं मोलैरिटी को लेकर, थोड़ी और बातें करते हैं इसको नीचे करके, कि अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपका जो वॉल्यूम है बढ़ता है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम बढ़ने के कारण जो आपका मोलैरिटी है वो घटेगा। अब तुम बोलोगे सर मोलैरिटी क्यों घटेगा, बताओ, मोलैरिटी इसलिए घटेगा क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इन्वर्सली, टेम्परेचर बढ़ा वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा मोलैरिटी घटा, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मोलैरिटी टेम्परेचर से कैसे चेंज होता पता लग गया। फिर अगला देखो, अगला अगला जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो है मोलैरिटी, इसका डेफिनेशन आता है, व्हाट इज मोलैरिटी, तो आप बोलोगे भैया मोल्स ऑफ सॉलिड लिखो ऊपर, सुनते रहना बस, मोल्स ऑफ सॉलिड ऊपर और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या लिखोगे नीचे, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट केजी में आपको नीचे लिखना है, तो ये आप डेफिनेशन एग्जाम में लिख दोगे, इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब देखो, अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, ये मोल फ्रैक्शन बाद में लेंगे, कि बताओ अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अरे भैया टेम्परेचर से कभी मास चेंज नहीं होता, तो मोलैरिटी का टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम बोलते हैं भैया ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टिक मार देना। वैसे अब मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं जो ट्वेल्थ में काम आता है, अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करें तो बेटा मोल फ्रैक्शन क्या होता है समझाता हूँ, देखो इसके लिए सिंबल होता है पहले तो एक्स, क्या होता है एक्स, और जैसे मैं समझाता हूँ, जैसे मान लो कहीं पर किसी कटोरी में एक ए और एक बी है, ए के मोल्स है एन ए, क्या बोला मैंने, ए के मोल्स कितने हैं बताओ एन ए, और बी के मोल्स कितने हैं एन बी, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई मेरे को ना मोल, मेरे को चाहिए मोल फ्रैक्शन, अरे क्या हो रहा है ये, मेरे को चाहिए मोल फ्रैक्शन ए का चाहिए, किसका चाहिए, तो आप सीधा बोलना भैया मोल्स ऑफ ए ऊपर लिखना है और अंदर जितने भी है ए प्लस बी का नीचे, ए प्लस बी। वैसे आप चाहो तो मोल्स ऑफ बी भी निकाल सकते हो, कैसे निकालो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बी का ऊपर टोटल नीचे, टोटल नीचे, बात समझ में आ गया, याद आ रहा है सबको, बढ़िया से। फिर कुछ भी नहीं करना है, अगर आप एक्स ए प्लस एक्स बी लिखोगे तो आंसर वन के बराबर आएगा, और बिलीव करो ये आपके पता है कहाँ काम आएगा, ये काम आएगा आगे जब रॉल्स लॉ पढ़ेंगे, कि भैया अगर दो कंपोनेंट है ए और बी तो उन दोनों के मोल फ्रैक्शन को ऐड करने पे आंसर वन आता है। तो अगर इतनी सी बात अगर रीकैप कर लेते हो तो आपको मजा आ जाएगा, क्या इतना सबको आता है ऑलरेडी, तो आगे बढ़ सकते हैं। देखो अगर प्यारे बच्चों हम आगे बढ़े तो आगे इस चैप्टर में हमें पता क्या पढ़ना होता है, ये सब पढ़ने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर चैप्टर के अंदर होता है हेनरीज लॉ, ठीक है, ज्यादा नौटंकी नहीं करेंगे हम, हेनरीज लॉ। अब इस चैप्टर में हेनरीज लॉ जो है वो क्या कहता है, हेनरी कहता है कि भाई साहब देखिए अगर यहां पर कोई लिक्विड है, सुनते रहना बस, लिक्विड है तो लिक्विड में और ऊपर गैस मॉलिक्यूल है, क्या है, गैस मॉलिक्यूल, तो हेनरी ना हेनरी सॉलिबिलिटी की बातें करता है, किसकी बातें करता है, सॉलिबिलिटी की। तो हेनरी कहता है भाई ऐसी ऐसी बातें हैं कि अगर यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर तो आपस में टकराएंगे, ये टकराएंगे एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे तो ये लिक्विड में आके गिर जाएंगे, लिक्विड में आके क्या हो जाएंगे, तो हेनरी लोग हेनरी कहता है कि जो गैस है ऊपर गैस क्यों ना और नीचे है लिक्विड, तो जो गैस का प्रेशर होगा इसका नाम रखा उसने पार्शियल प्रेशर, क्या नाम रखा, पार्शियल, क्योंकि यहां पर बहुत सारे गैस होंगे ना, कोई हाइड्रोजन कोई ऑक्सीजन कोई नाइट्रोजन, तो बोला जो पार्शियल प्रेशर होगा ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉलिबिलिटी के, किसके होगा, सॉलिबिलिटी के। कहने का मतलब क्या है, यहां पर अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो टक्कर खा के नीचे तो जाएंगे, मान लो मैंने इसको ऐसे पैक कर दिया, अब ये गैस है गैस उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा है तो टक्कर खा के नीचे ही आएंगे, अंदर ही आएंगे ना, तो सॉलिबल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सॉलिबल, यानी जितना ज्यादा यहाँ पर, या फिर हम, या तो हम ऊपर से प्रेशर लगाए इसको, ऐसे हम दबाए गैस को ऊपर से तो प्रेशर बढ़ेगा गैस पे, जैसे प्रेशर बढ़ेगा वो पानी में आके डूब जाएंगे, तो प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी, ये हेनरी साहब ने बोला। फिर हेनरी साहब ने इसका मैथमेटिकल फॉर्म, आप बोलोगे सर कि एग्जाम में अगर आ गया तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ,
पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी। अब तुम बोलोगे आप लिख दो, आप खुद लिख लेना, दोबारा बोल दे रहा हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी। अब मेरी बात सुनो, हेनरी ने मैथमेटिकली क्या बोला, हेनरी ने बोला भाई बात ऐसी है, चलो पीछे कर देता हूँ मैं इसको, ये हटा के हेनरी कहता है मैथमेटिकली कि पीजी लिख देंगे प्रेशर ऑफ गैस को, यहाँ एक कांस्टेंट आएगा उसको हेनरी कांस्टेंट बोलेंगे, और इस सॉलिबिलिटी को लिख देंगे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को उसने सॉलिबिलिटी बोला, क्या बात समझ पा रहे हो, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस हो गया, ठीक है। तो अब कई लोग ऐसे भी लिखते हैं डेफिनेशन कि अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, तो ये भी हेनरी लॉ। इसके बाद इस चैप्टर में जो टॉपिक आता है ना, वो टॉपिक बड़ा आसान है, वो समझते देखिए, टॉपिक होता है इसके बाद छोटा सा टॉपिक होता है एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, सुनते रहना बस, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। देखो हम काम काम की बातें करेंगे, बाकी बातें बाहर में जाए। तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ क्या होता है, पहला एप्लीकेशन ये होता है कि भाई साहब देखिए, आप लोगों ने सुना है कि कोको कोला होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर क्या होता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर CO2 गैस होता है, मतलब जो पेप्सी वेप्सी होती है ना उसमें CO2 गैस होता है, जिससे हमें मजा आता है, गले में लगता है, फीज टाइप का ना, थोड़ा अच्छा सा लगता है। तो वो जो बहुत उसके अंदर, मतलब कुल मिला के बात यह है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर कोको कोला के अंदर होता है अंदर गैस, क्या होता है अंदर गैस। अब हमें अंदर गैस भरना है और हम चाहते हैं कि गैस अंदर सॉल्युबल रहे, अंदर गैस सॉल्युबल रहे, तो हम क्या करेंगे, इसको हाई प्रेशर पे भरेंगे, कहाँ पे भरेंगे, हाई प्रेशर पे। हाई प्रेशर पे भरने से फायदा क्या होगा, हाई प्रेशर पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि हेनरी यही बात तो बोल के गया है कि ज्यादा प्रेशर होगा ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो गैस अगर ज्यादा सॉल्युबल होगा तो पीने में मजा आएगा और उसकी बिक्री ज्यादा होगी, बिक्री क्या होगी। तो टॉपिक का पहला एप्लीकेशन क्या है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर गैसेज आर फिल्ड एट हाई प्रेशर, तो गैसेज आर फिल्ड एट हाई प्रेशर टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी, फर्स्ट एप्लीकेशन जो मैंने बोला आप लिख लोगे। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात हेनरी कहता है देखिए कि दूसरी बात यह है कि जो ऐसी मैं बोल दे रहा हूँ, देखो जो पहाड़ों पर लोग रहते हैं ना, पहाड़ पे सबको पता है कि पहाड़ पे प्रेशर कम होता है, पहाड़ पे अगर प्रेशर कम होगा तो हमारे दिमाग में ऑक्सीजन कम जाएगा, क्योंकि देखो प्रेशर कम तो सॉलिबिलिटी कम, तो दिमाग में ऑक्सीजन कम, अगर दिमाग में ऑक्सीजन कम होगा तो हम ठीक से सोच नहीं पाएंगे, मेंटल और फिजिकल वीकनेस हो जाएगा, मेंटल और फिजिकल वीकनेस को बोलते हैं एनोक्सिया, क्या बोलते हैं। तो एनोक्सिया के बारे में किसकी वजह से पता लगा, हेनरी लॉ की वजह से, क्योंकि हेनरी से पता लगा कि प्रेशर कम तो सॉलिबिलिटी कम, और एनोक्सिया क्या होता है, ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हम ठीक से सोच नहीं पाते ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो एनोक्सिया के बारे में किसने बताया हमें, बताओ, हेनरी साहब ने बताया। तो ये आप लिख लोगे कि एट द हाई, एट द पहाड़ या एट द हिल्स देयर इज लेस प्रेशर सो लेस सॉलिबिलिटी, लेस प्रेशर लेस सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, सो वी आर नॉट एबल टू थिंक वेरी गुड। तो मैं बता रहा, देखो एट द हाई एल्टीट्यूड देर इज लैक ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर सो देर इज लेस सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस, सो पीपल एट हाई एल्टीट्यूड अनएबल टू थिंक और अनएबल टू डू वर्क, तेल लगाए फिर बेकार हो गया। ठीक है ना, समझ में आ गया ना, नहीं ठीक है, पीपल एट हाई एल्टीट्यूड आर फील मेंटल एंड फिजिकल वीकनेस, ठीक है ना। एनोक्सिया क्या होता है, मेंटल एंड फिजिकल वीकनेस। अरे मजाक कर रहा हूँ, मुझे आता है बेवकूफ, थोड़ा हंसना भी तो था, इतनी देर से मशीन की तरह काम कर रहे थे, तो लिख लेना, ठीक है। अगला देखिए, अगला अच्छा अगला ये था कि जब ये देखो स्कूबा डाइवर, अगला एप्लीकेशन है स्कूबा डाइवर, तो जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, क्या बोला मैंने, स्कूबा डाइवर्स होते हैं, अच्छा इसमें बोल दूं क्या, तुम्हें आ गया ना समझ में, कि जब आसमान में जाएंगे, मतलब आसमान में बोल रहा हूँ, पहाड़ पे जाएंगे एट, एक बार बोल देता हूँ ताकि जो बच्चे लिखना चाह लिख सकते हैं, एट अ हाई एल्टीट्यूड देर इज लेस एटमोस्फेरिक प्रेशर लेस सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस सो दे फील वीकनेस, है ना, मेंटली एंड फिजिकली, दिस कंडीशन इज नॉन एज एनोक्सिया, बट दिस वॉज डिस्कवर्ड बाई द हेनरीज लॉ, ये हेनरी लॉ से हमें पता लगता है, ठीक है। अब देखिए स्कूबा डाइवर्स क्या होते हैं, जब स्कूबा डाइवर्स टंकी लेके जाते हैं, टंकी के अंदर होता है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, कई लोगों को पता नहीं स्कूबा डाइवर्स कौन से होते हैं, बेटा जो पानी में जाके खुद मछली बन जाते हैं उनको बोलते हैं स्कूबा डाइवर्स, तो देखा नहीं जो पानी में जाके तैरते हैं और वो मछली, अगर दो मछली अपने आपस में कुछ कर रहे हो तो डिस्टर्ब कर देते हैं, अरे खेल कूद क्या कर रहे हो तुम, अरे खेल कूद कर रहे होते हैं ना वो, तो डिस्टर्ब क्या है यार तुम। तो स्कूबा डाइवर जो होते हैं, चुप जाओ, तो स्कूबा डाइवर जो है, ध्यान देना, जो स्कूबा हो गया, अरे तुम लोग मछली थोड़ी हो यार, ध्यान अब स्कूबा डाइवर, अरे सुन लो आप, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, क्या बोला मैंने, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं अपने कंधे पे टंकी लेके जाते हैं और टंकी में होता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस, जब वो नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है पानी का, समुद्र के अंदर जाते हैं, समुद्र के अंदर तो प्रेशर बढ़ जाता है पानी का,
मतलब समुद्र में जाते हैं स्कूबा डाइवर टंकी लेके जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर के बढ़ने की वजह से उनकी बॉडी में ऑक्सीजन भी जाता है और नाइट्रोजन भी जाता है। पर ऑक्सीजन अगर बॉडी में गया, सॉल्युबल हो गया प्रेशर की वजह से, तो ऑक्सीजन यूज हो जाएगा, पर नाइट्रोजन तो यूज हो नहीं सकता। तो नाइट्रोजन यूज ना होने के कारण ठीक है अंदर बॉडी नाइट्रोजन में चला जाता है और यूज नहीं होता है। जब बंदा बाहर आता है, बाहर आने की वजह से क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। अगर प्रेशर कम हो गया तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी, तो अब वो चाहेगा नाइट्रोजन गैस बाहर आना। जब नाइट्रोजन गैस बाहर आएगा तो आएगा कहाँ से भाई, दिक्कत हो जाएगी। तो ना बैंड्स बना लेता है, बैंड्स मान लो नसों में ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस है नसों के अंदर, अब वो निकलना चाहेगा तो ऐसे बैंड्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? बैंड्स। तो बैंड्स किसकी वजह से पता लगा? हेनरीज लॉ से। हेनरी ने कहा तुम नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ा नाइट्रोजन घुस गया, अब तुम ऊपर आओगे प्रेशर घटा नाइट्रोजन निकलना चाहेगा तो बैंड्स बन जाएगा। बस समझ पा रहे हो? इसीलिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन की जगह पर हीलियम डालते। क्या डालते? हीलियम। क्यों डालते हैं? क्योंकि हीलियम जो होता है ना लेस सॉल्युबल होता है। क्या होता है? लेस सॉल्युबल। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हीलियम को क्यों डालते हैं स्कूबा डाइवर्स के टैंक में, क्योंकि हीलियम लेस सॉल्युबल होता है और हीलियम होता है छोटा। हीलियम क्या होता है? अगर हीलियम छोटा होगा तो हमारी बॉडी बॉडी से इजीली बाहर निकल जाएगा, पर नाइट्रोजन बॉडी से इजीली बाहर नहीं निकल पाता है तो उसे बैंड बन जाता है। क्या बन जाता है? तो ये हमने तीन एप्लीकेशन पढ़ा किसके? हेनरीज लॉ के। किसके पढ़ा बेटा हमने? हेनरीज लॉ के। तो ये हमारा हेनरीज लॉ खत्म हो गया। फिर इस चैप्टर में अगला जो टॉपिक आता है ना वो आता है रॉल्स लॉ। क्या आता है बेटा? अगला टॉपिक होता है रॉल्स लॉ। क्या होता है बेटा? कौन सा रहेगा बताओ मुझे? अरे वो तो उसमें आएगा, चुप हो जाओ, वो अलग है, वो इसमें नहीं है। सुनो सुनो सुनो, अगला टॉपिक होता है हमारा रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ, तो रॉल्स लॉ क्या कहते हैं कि देखो, चुप हो जाओ, कहते हैं मान लो प्योर लिक्विड है ए, इसका प्रेशर होगा पी ए नॉट। देखो कोई लिक्विड है ए, ये प्योर लिक्विड है, इसमें कुछ मिलाया नहीं है, ये कोई प्योर लिक्विड है, प्रेशर है ए, पी ए नॉट प्रेशर है। क्या है? पी ए नॉट इज प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। जैसे मान लो यहाँ पर पानी है तो पानी का प्रेशर है पी ए नॉट, वैसे ही मान लो कहीं पर एक और दूसरा लिक्विड है, मतलब पानी प्रेशर कैसे लगाएगा? अरे पानी का भाप नहीं बनता क्या? तो वेपर प्रेशर है। कौन सा प्रेशर है? वेपर प्रेशर। पानी का वेपर प्रेशर है भाई साहब ये। वैसे ही वो कहता कोई दूसरा लिक्विड है मान लो बी, कौन सा लिक्विड है, तो इसका जो प्रेशर होगा उसका नाम क्या होगा? पी बी नॉट। तो कोई इसका जो प्रेशर है भी प्योर है बिल्कुल, बी नाम का लिक्विड है। अब वो कहता है ठीक है अगर हम इन दोनों को मिला देंगे, मिलाने के बाद क्या बन जाएगा, दोनों को ऐड कर देता बन जाएगा ए और बी मिल जाएंगे आपस में। अब ए और बी मिल जाएंगे तो अब ए का प्रेशर कितना होगा? तो अब जो ए का प्रेशर होगा ना, प्रेशर ऑफ ए, वो पता क्या होगा? पुराना प्रेशर जो था पी ए नॉट, उससे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैसे अब जो बी का प्रेशर होगा इसके अंदर, वो जाएगा पी बी नॉट, पुराने प्रेशर में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मिक्स हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, पहले प्रेशर पी ए नॉट था, अब प्रेशर कितना है? पी बी नॉट। और दोनों को मिलाने पर प्रेशर में क्या होगा? जो ए का होगा पी ए नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी बी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यही हमारा रॉल्स लॉ है। तो आप बोलोगे सर इसको एग्जाम में कैसे लिख के आएंगे? तो एग्जाम में ऐसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपको मैंने पहले बताया इसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, प्रेशर नहीं यूज करना है, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ, जहां पी ए नॉट का मतलब है प्योर प्रेशर, पी बी नॉट का मतलब है प्योर प्रेशर। अब खत्म हो गया, फिर आगे हम बात करते हैं टोटल प्रेशर की बात करते हैं। तो टोटल प्रेशर की बात करेंगे, टोटल तो कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड कर दो, पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का? तो देखो ये हमारा रॉल्स लॉ खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक होता है इसके अंदर कि भाई हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ एंड रॉल्स लॉ के अंदर क्या बोला मैंने, एंड रॉल्स लॉ के अंदर, हेनरी लॉ एंड रॉल्स लॉ के अंदर सिमिलरिटी क्या है, क्या ऐसी बात है, क्या खास बात है इन दोनों के बीच में। देखिए हेनरी लॉ ने कहा कि प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन, रॉल्स ने भी कहा कि प्रेशर इज इक्वल टू पी ए नॉट, अगर ए है तो, जैसे मान लो ये ए है तो ये एक्स ए होगा, ये ए है तो ए नॉट, यहाँ पर एक्स ए। तो दोनों में खास बात क्या है कि ये कहता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ये भी कहता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दोनों ही कहते हैं कि प्रेशर जो है मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों में फर्क कितना है, फर्क कितना है कि यहाँ पर के एच होता है, यहाँ पर पी ए नॉट होता है। अगर हम ऐसा कह दें कि पी ए नॉट और के एच अगर बराबर हो जाए तो हम कहेंगे दोनों लॉ एक ही हो गया। तो हेनरी लॉ बिकम्स स्पेशल केस ऑफ रॉल्स लॉ, कि हेनरी लॉ और रॉल्स लॉ आपस में दूसरे के स्पेशल केस बन जाते हैं अगर इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल, तो दोनों लॉ सेम ही हो जाएंगे। क्या बात समझ में आ गया? तो टॉपिक था हेनरीज लॉ एंड रॉल्स लॉ। फिर रॉल्स लॉ की बातें करते हैं एक बार और, तो रॉल्स लॉ की हम बातें करेंगे, रॉल्स लॉ की एक बार और बातें करते हैं। पर इस बार क्या है, हम डालेंगे नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब तुम बोलोगे सर कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से मतलब क्या आपका, जिसका भाप ना बने। क्या होना बेटा? पहली बात ये भाप है, भाप नहीं, ध्यान रखना भाप ना बने, ठीक है? तो मैं बिहार से हूं तो भाप भाप एक जैसा लग सकता है, तो टेंशन नहीं, ठीक है? देखो तो रॉल्स लॉ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए कहने का मतलब, जान दो इधर, शर्म नहीं आ रही, भाग गया वो, अब चुप नहीं हो रहा तो वहां बैठा ना मैंने। देखो तो रॉल्स लॉ क्या है नॉन वोलेटाइल सॉलिड के लिए कहने का मतलब, चुप हो जाओ, यहाँ ए का मतलब पी ए नॉट प्योर, फिर बी का मतलब यहाँ पर प्रेशर क्या होगा पी बी नॉट, जो प्योर प्रेशर होगा प्योर प्रेशर पी बी नॉट, प्योर मतलब कुछ मिलाया नहीं है। तो प्योर प्रेशर क्या है? पी ए नॉट, प्योर प्रेशर क्या है? मतलब कुछ मिक्स नहीं है। जब दोनों को मिलाएंगे, दोनों को मिलाएंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। अब हम बोलेंगे प्रेशर ऑफ ए जो होगा वो होगा पी ए नॉट इंटू एक्स ए, प्रेशर ऑफ बी क्या होगा बताओ,
पी बी नॉट इन टू एक्स बी। लेकिन आप ये जानते हो प्यारे बच्चों कि बी तो प्रेशर लगा ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या है नॉन वोलेटाइल, कि एक जो बंदा होगा नॉन वोलेटाइल और सॉलिड जो है नॉन वोलेटाइल, हम बी को बोलते हैं मतलब बी को मान लिया सॉलिड, तो इसका प्रेशर भी क्या हो जाएगा जीरो। तो अब रॉल्स लॉ जो है अब हम निकालेंगे टोटल प्रेशर, क्या निकालेंगे हम निकाल रहे हैं पूरा का प्रेशर, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या होगा बताओ। हम बोलेंगे भाई साहब बात ऐसी है कि पी ए नॉट और एक्स ए के बराबर आ जाएगा, एक्स ए के, क्योंकि पी बी नॉट एक्स बी तो है ही नहीं, क्योंकि नॉन वोलेटाइल का भाप नहीं बन सकता है। अब तो हम बोलेंगे कि रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल क्या कहता है, रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल कहता है कि टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि अगर इसको सॉलिड माना तो ये क्या होगा, तो जो सॉल्वेंट ये रहा ना सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट का प्रेशर होगा वही टोटल प्रेशर होगा, यहाँ सॉलिड का प्रेशर नहीं होता। तो नॉन वोलेटाइल में सॉलिड का प्रेशर नहीं होता। डेफिनेशन क्या हो गई, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कि टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ, तो दोबारा बोल रहा हूँ, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉलिड यहाँ पर है ही नहीं, बात समझ में आ गया। और जो जो हमारा रॉल्स लॉ था उसके लिए किसके लिए बताओ, किसके लिए था, इसके लिए वोलेटाइल के लिए, तो वोलेटाइल में क्या था, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ, और उस वाले में क्या हो रहा है सॉल्यूट तो है ही नहीं, सारी बात समझ में आ गई। तो यहाँ तक एक बार एक रफ नोट्स बना लो, फिर आइडियल नॉन आइडियल, फिर वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी और चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या आप लोगों को आया कि नहीं आया इतना बताओ मुझे। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये सब पढ़ लिया हमने, हेनरी फेनरी रॉल्स फॉल्ट सब खत्म। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूँ तो हेनरी ने क्या बोला, या हेनरी ने या रॉल्स ने क्या बोला, पी ए पी ए नॉट एक्स ए, जहाँ पी ए नॉट का मतलब क्या, प्योर अकेला जब हो। इनका ग्राफ बनाते ग्राफ, चलो ए के लिए ग्राफ इधर बना लो, बी के लिए यहाँ बना लो, या ए और बी कहीं के, चलो अलग अलग भी बना सकते हैं, चलो एक बनाते एक। तो देखो अगर मैं बोलूँ यहाँ पर एक्स ए है वो जीरो है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जीरो है, तो प्रेशर ए क्या होगा जीरो। अरे मोल फ्रैक्शन जीरो तो प्रेशर भी क्या होगा, अब इस तरफ मोल फ्रैक्शन को बढ़ा रहा हूँ, एक्स ए को वन कर दिया तो प्रेशर भी बढ़ता हुआ जाएगा, समझे मेरी बात को। तो ये हो गया प्रेशर ऑफ ए, क्या हो गया प्रेशर ऑफ, तो इधर ए लिख सकते हैं हम ए का। वैसे मैंने कहा मान लो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जीरो है, तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा वन, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा बी के लिए यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ जाके कट करेगा, तो यहाँ पर बी के लिए लिख सकते हैं हम, ठीक है। और इनको मिलाएंगे तो ये प्रेशर ऑफ बी था, ये प्रेशर ऑफ बी, ये प्रेशर ऑफ ए, और इन दोनों पॉइंट को मिलाने पर मिलेगा टोटल प्रेशर जो था पी ए नॉट एक्स ए पी वी नॉट एक्स बी, और यही पूरा फिनोमेना है रॉल्स लॉ, क्या ये समझे कि प्रेशर ऑफ बी क्या होगा पी वी नॉट इंटू में एक्स बी, ठीक है बात समझ पा रहे हो। तो रॉल्स लॉ खत्म, अब बात करते हैं कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है रॉल्स लॉ खत्म करने के बाद, कि हम पढ़ते हैं फटाफट आइडियल सॉल्यूशन आइडियल, एंड यहीं पर पढ़ते हैं नॉन आइडियल, ठीक है नॉन आइडियल, फटाफट दो मिनट का टाइम है। देखिए आइडियल किसे कहते हैं, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे, रॉल्स लॉ जो है रॉल्स लॉ हमारा, रॉल्स लॉ जो फॉलो करे उसको हम आइडियल बोलते हैं, और जो रॉल्स लॉ फॉलो ना करे, जो रॉल्स का लॉ है रॉल्स लॉ जो फॉलो ना करे उसको बोलते हैं नॉन आइडियल, क्या बोलते हैं बेटा उसको नॉन आइडियल। अब मेरी बात सुनते रहो बस ध्यान से, अब आइडियल का एक कुछ कंडीशन होती है कि जब ए और ए को आप मिला, जैसे मान लो ये पानी है, क्या है तो पानी पानी के मॉलिक्यूल, मान लो ये चीनी चीनी है या फिर कुछ भी है, मान लो ये है अल्कोहल अल्कोहल, तो अल्कोहल अल्कोहल के मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर समझना कि जब आप ए और ए यानी सॉल्वेंट सॉल्वेंट इसको बोलते हैं सॉल्यूट सॉल्यूट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा बताओ, सॉल्यूट सॉल्वेंट ए भी बनेगा, देखो ये पानी पानी या मान लो चीनी चीनी, तो क्या बन गया पानी चीनी, क्या बन गया। तो इन सबके बीच का फोर्स ना इक्वल होना चाहिए, कि द फोर्स बिटवीन ए ए, ऐसे लिख सकते एग्जाम में, वेन फोर्स बिटवीन ए फोर्स बिटवीन बी बी एंड फोर्स बिटवीन ए बी आर इक्वल, तो सॉल्यूशन होगा आइडियल, क्या होगा वो, तो इसको बोलेंगे हम आइडियल सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन बन के तैयार होगा उसे आइडियल बोलेंगे। तो पहला बात ये, पहला बात तो रॉल्स लॉ फॉलो करे, दूसरी बात जो फोर्स है ए का बी बी का और ए बी का सेम होना चाहिए, तीसरा क्या है कि समझते रहिए कि जब हम मिलाएंगे ना, तो जब ए और बी को मिलाएंगे तो हीट एक्सचेंज जीरो होना चाहिए, कोई हीट पैदा नहीं होना चाहिए। फोर्थ क्या, जब इन सबको हम मिलाएंगे, इन सबको मिलाएंगे ए और बी को मिलाएंगे, तो वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तो वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग जीरो होना चाहिए, हीट ऑन मिक्सिंग जीरो होना चाहिए, तो आइडियल बोलते हैं। नॉन आइडियल में क्या होगा, रॉल्स लॉ फॉलो नहीं होगा, ए और ए के बी और बी का नॉट इक्वल होगा ए बी के बीच का फोर्स, ए के बीच का फोर्स बी बी के बीच का फोर्स ए बी के बीच का फोर्स, अगर आप एग्जाम में इतना भी लिख के आते हो तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे। फिर डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो, और डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसको बोलते हैं आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं इसको। आप मेरी बात सुनते रहना, क्या सुनते रहना, बड़ा आराम से समझा रहा हूँ कि भैया नॉन आइडियल में क्या लिखा है, कि भैया यहाँ पर क्या है, ये जो चीज़ है फोर्स, जो फोर्स है वो बराबर नहीं है ए बी के, बराबर नॉन का मतलब या तो बड़ा होगा या छोटा, तो यहाँ दो केस निकल के आएगा कि ए और ए का फोर्स और बी का जो फोर्स है वो बड़ा हो जाए ए बी से, या ऐसा हो जाए ए और ए का फोर्स एंड बी और बी का फोर्स जो है छोटा हो जाए ए बी से। अगर आपका फोर्स बड़ा हो गया, क्या बोला मैंने, अगर फोर्स बड़ा हो गया इधर का, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, कौन से लॉ, रॉल्स लॉ, इसको बोलते हैं रॉल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन।
अगर आपका ए और बी का फोर्स कम पड़ गया, जिसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। रॉल्स, क्या बात समझ पा रहे हो? अच्छा, अगर हम बात करें कि पॉजिटिव डेविएशन में और क्या बातें होगी, तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए ध्यान रखेंगे आप लोग कि डेल्टा एच मिक्सिंग अभी पॉजिटिव हो जाएगा जीरो से बड़ा, वैसे डेल्टा वी मिक्सिंग भी जीरो से बड़ा हो जाएगा। और सबसे थर्ड बात, जो प्रेशर्स होंगे प्रेशर वो भी बड़े हो जाएंगे। प्रेशर क्या हो जाएंगे? पीवी भी क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, पीवी नॉट इनटू एक्सबी। तो ये था पॉजिटिव डेविएशन के बारे में बातें। भैया पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, समझ में आ गया सबको बढ़िया से? कोई दिक्कत तो नहीं है? पॉजिटिव डेविएशन में ए और बीबी का बड़ा होगा, इस चक्कर में हीट फीट सब बड़ा हो जाएगा। अब नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, देखो नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, ये नेगेटिव डेविएशन की अगर खास बातें करें तो पहली क्या हो जाएगा, डेल्टा एच मिक्सिंग भी जीरो से छोटा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या हो जाएगा, जीरो से छोटा हो जाएगा। और जो प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा, पी ए नॉट इंटू एक्सएस से, और पीबी का प्रेशर भी कम हो जाएगा, पीबी नॉट इंटू एक्सबी से। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव डेविएशन। क्या हो गया हमारा ये? तो हमने ये भी पढ़ लिया क्या होता है पॉजिटिव डेविएशन, ये भी पढ़ लिया हमने क्या होता है नेगेटिव डेविएशन। तो ये आप एक बार फटाफट एक चार्ट बनाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट फटाफट याद रहना चाहिए हाथों हाथ। अब देखो ध्यान से सुनो, अब चैप्टर के अंदर आइडियल ऑर्बिटल पढ़ने के बाद एक टॉपिक होता है एजियोट्रॉप्स, ठीक है? इन टॉपिक का ध्यान देंगे। देखिए एजियोट्रॉप्स क्या होता है, तो देखिए कुछ जैसे मैंने कहा, देखो मान लो कहीं पर नमक वाला पानी, जैसे पानी और नमक है, पानी और नमक है, और मुझे इनका सेपरेशन करना है। मैं क्या करूँगा, जो पानी और नमक है मिला हुआ है आपस में, नीचे से हीट करूँगा, क्या करूँगा, हीट करने से पानी जो वेपर बन के निकल जाएगा, पानी का भाप बनेगा और नमक छूट जाएगा। नमक तो बड़ा आसान तरीका है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बहुत सारी 80-90% चीज़ों को ऐसी फिल्टर किया जाता है। क्या बोला मैंने? 80-90% चीज़ें ऐसी फिल्टर की जाती है। अब मेरी बात सुनो, अब छोटी सी बात, टॉपिक क्या हमारा टॉपिक है एजियोट्रॉप्स, क्या टॉपिक का नाम है? तो हमारे नेचर में कुछ ऐसे मिक्सचर है, सुनो मेरी बात को, हमारे नेचर में कुछ ऐसे मिक्सचर है, ऐसे मिक्सचर जिनका नाम होता है कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। कुछ ऐसे मिक्सचर है जिनको आप उबाल के सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा मैंने ए और बी को मिलाया, ए जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट है 79 और बी का बॉइलिंग पॉइंट भी 79 है। तो क्या होगा जब आप इसको हीट करोगे, तो 79 डिग्री सेल्सियस जैसे ही पहुंचेगा, दोनों ए भी ऊपर जाएगा और बी भी ऊपर जाएगा, दोनों में से कोई साइड हुआ क्या? नहीं। वैसे मान लो अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है और इसका भी 100 डिग्री है, तो दोनों ही ऊपर जाएगा, या इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है इसका 99 है, फिर भी दोनों ऊपर जाएंगे, तो दोनों को आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऐसे मिक्सचर जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कॉन्स्टेंट, एक जैसा बॉइलिंग पॉइंट होता है। सो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, या दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड। तो जो सिंपल मेथड से सेपरेट ना हो, उन मिक्सचर को बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप्स। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, मिक्सचर कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर विच कैन नॉट बी सेपरेटेड, विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड, सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, लिख देना फ्रैक्शनल। यह फ्रैक्शनल, एफ आर ए सी टी आई एन ओ एल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जिसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप छाट नहीं सकते, उसको बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। अब मेरी बात सुनो, एजियोट्रॉप की अगर हम बात करें, एजियोट्रॉप्स की, तो एजियोट्रॉप्स में दो तरह के होते हैं। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या होता है बेटा? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। आप बोलोगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का क्या मतलब है सर? और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या होता है? एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप किसे बोला गया है? जो रॉल्ट लॉ से, जो रॉल्ट लॉ था, रॉल्ट लॉ याद है आपको, जो रॉल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करे, रॉल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन, यानी जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, उनको बोलते हैं हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और मैक्सिमम में क्या होगा? जो आपका रॉल्ट लॉ था, आरएल, रॉल्ट लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करे, तो नेगेटिव डेविएशन वाले को मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहते हैं। क्या बात समझ में आ गया? इसके बाद हमारा जो टॉपिक होता है ना, हमारा टॉपिक होता है थोड़ा सा, टॉपिक का नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या टॉपिक का नाम बेटा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, दो मिनट में खत्म हो जाएगा। देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, किस पे डिपेंड करे? पार्टिकल्स पे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा यहाँ पर पानी है, पानी, और पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, कितना है? मान लो पानी के अंदर मैंने डाल दिया कुछ भी, दो सेब डाल दिया मैंने, सेब डालने की वजह से पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 110 हो गया, कितना हो गया? 110। अगली बार मैंने क्या किया, दो सेब की जगह पर दो मैंने आम डाल दिया, क्या डाल दिया? आम, तब भी बॉइलिंग पॉइंट 110 ही था। फिर मैंने क्या किया, दो अंगूर डाल दिए, तब भी बॉइलिंग पॉइंट 110 ही था। यानी कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट इस बात पर डिपेंड करता है कि पार्टिकल क्या है, इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि सेब डाला कि अंगूर डाला कि कुछ और डाला। यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होते हैं जो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करे और नेचर पर डिपेंड ना करे, कि भैया पार्टिकल का नेचर क्या है, नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा कि आम है कि क्या है, वो समझ में आ रहा है, उसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। हमारे पास, हमारे सिलेबस में चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें पढ़ना है, फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कौन कौन से फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं वो देख लो। तो हमारे पास पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ध्यान दो इधर, डेल्टा टीवी, डेल्टा टीवी, इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पहले सुन लो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको फॉर्मूले की डेरिवेशन नहीं करना, क्योंकि डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है नहीं। डेल्टा टीवी का मतलब होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। बॉइलिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना किस पर डिपेंड करता है, एक तो केवी जो कि कांस्टेंट है, क्या है इसका बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और इसका नाम होता है मोलैलिटी। क्या नाम होता है बेटा, मोलैलिटी। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना मोलैलिटी पर डिपेंड करता है, समझ पा रहे हो, और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि मोलैलिटी किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स पे, यानी पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। समझे मेरी बात को, तो ध्यान रखना कि सिंपल सिंपल सी बात है कि डेल्टा टीबी जो होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, चार चार में से पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारा ये होता है, इसका मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। अगला को जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है हमारे हाथ में, उसको बोलते हैं डेल्टा टी एफ, डेल्टा जो कि होता है के एफ इंटू मोलैलिटी। क्या होता है, स्मॉल एम मोलैलिटी है, मोलैलिटी नहीं है मोलैलिटी है। इसका मतलब होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या नाम होता है इसका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट समझते हो, बर्फ बनना वैसा कुछ, तो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन होना मतलब कम होना, इसका मतलब क्या है, कम होना। तो फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और इसका इसका जो संबंध है मोलैलिटी के साथ है, और के एफ का मतलब क्या होता है पता आप लोगों को, बताओ, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या नाम होता है इसका, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। अच्छा, इनका कुछ और नाम भी है जिसका इसका नाम होता है, इसका एक और नाम है एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, मैं लिखवा देता हूं, मैं काम आएगा आपके, एबिलियोस्कोपिक स्कोपिक कांस्टेंट। इसका नाम एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी होता है, और इसका एक और नाम होता है काइरोस्कोपिक कांस्टेंट, काइरोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है ना, ठीक है। तो इसका एक और नाम होता है, केएफ का नाम होता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर काइरोस्कोपिक कांस्टेंट, जो इसका नाम है केवी का मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। हमने अभी क्या पढ़ा, दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा, जहां इसका मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना और बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। थर्ड हमारे पास जो होता है ना, वो होता है बेटा ये देखो, पी ए नॉट माइनस पी टी बाई पी ए नॉट एक्स बी, एक बार चेक करना सही है ना, ये प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट माने टोटल इज इक्वल टू डी। अब मेरी बात सुनो, इसको बोलते हैं आर एल बी पी। क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या, देखो आप क्या वीपी होगा ना, ठीक है, इसका मतलब क्या, तो सुनो, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, नॉट का मतलब क्या था, प्योर, और पीटी का मतलब क्या था, पीटी का मतलब टोटल सॉल्यूशन का। जब प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट में से टोटल को माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे प्योर के प्रेशर से, तो वो हमेशा ना मोल फ्रैक्शन आएगा सॉल्यूट के। बी का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट, देखो एक सॉल्वेंट होता है ज्यादा, सॉल्यूट मतलब कम, तो बी तो सॉल्वेंट के सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। इसका नाम होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि प्योर में से टोटल को माइनस करोगे और प्योर से डिवाइड करोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर आंसर आएगा। इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इन वेपर प्रेशर। तो आपको पीएचडी करने की है नहीं, इसकी डेरिवेशन हमें आती नहीं है, ऐसे सिंपल है। अब लास्ट हमारा टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, जो कि हमारा फोर्थ है, उसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या नाम है, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए अपना ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले फोर्थ क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम बोलते हैं पाई। क्या बोलते हैं, और पाई का मतलब होता है सीआरटी। क्या मतलब होता है, सीआरटी, जहां पर सी का मतलब इस बार मोलैरिटी होता है। क्या होता है, मोलैरिटी। आर का मतलब एक कांस्टेंट है जो कि है 8.314, और टी का मतलब है यहां पर टेम्परेचर। तो यहां पर पाई का मतलब क्या है, पाई का मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को समझेंगे हम ऑस्मोसिस के द्वारा, इसको फटाफट एक बार नोट कर लो कि क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है और क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप की हमारे हाथ में है, फटाफट नोट कर लो। तो पिछली बार मैंने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर बता दिया था, पाई इज इक्वल टू सीआरटी। मैंने कहा था ये कुछ होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, जहां पर सी का मतलब होता है मोलैरिटी, आर का मतलब गैस कांस्टेंट, टी का मतलब टेम्परेचर, और पाई का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। आज हम कुछ बातें करते हैं, फटाफट आ जाओ मेरे साथ। देखो एक टॉपिक प्यारा सा है, टॉपिक क्या, देखो ये मान लो एक कंटेनर है, इस कंटेनर के आसपास ना एक को लगाई गई है, ये हल्की बड़ी पतली सी चादर, परत। क्या ये परत, इसका नाम होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या नाम होता है बेटा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब मेरी बात सुनो, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसकी खास बात क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है, जो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं लाइक H2O, ये पानी के मॉलिक्यूल को क्या करता है, पास होने की परमिशन देता है। यानी इसके अंदर से बहुत ही छोटे मॉलिक्यूल जैसे कि पानी, पानी का मॉलिक्यूल इजिली पार हो सकता है। तो जो चादर है इसका नाम क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल क्या है इसका, पिक ब्लैडर, जो पिक का ब्लैडर होता है, ब्लैडर समझते हैं, ब्लैडर क्या होता है, जो पिक ब्लैडर होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जैसा होता है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, एक चादर है, एक परत है जिससे वाटर जैसे मॉलिक्यूल पार हो सकते हैं। अभी हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा था ना, उसी के बारे में बता रहा हूँ डिटेल में। अब देखो यहां पर क्या है, मान लो यहां पर है नमक वाला पानी, कौन सा पानी है, नमक वाला पानी, और यहां पर आपका नॉर्मल पानी, कौन सा पानी है, नॉर्मल पानी जो घर में पीते हैं हम, ये समुद्र का पानी और नॉर्मल पानी। तो यहां पर कंसंट्रेशन हाई है, क्या यहां पर हाई कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन हाई क्यों है, क्योंकि यहां पर नमक है, यहां पर नमक नहीं है तो ये हो गया लो कंसंट्रेशन। क्या हो गया, लो कंसंट्रेशन। तो ऐसा देखा गया है कि लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ
अपने आप ही पानी का मॉलिक्यूल ट्रैवल करने लग जाता है, यानी बीच में एक चादर है, उस चादर के एक तरफ है पानी जो पीने लायक नहीं है, एक तरफ है पानी जो पीने लायक है। जो पीने लायक पानी का उसका कंसंट्रेशन क्या लो, तो लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ वाटर मॉलिक्यूल अपने आप ही फ्लो होता है, इसको बोलते हैं हम ओस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको? ओस्मोसिस। तो ओस्मोसिस क्या होता है? द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, और ये होता है नेचुरली अपने आप होता है। क्या होता है? तो समझ में आ गया? तो नेचुरल फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल या प्योर वाटर फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब मेरी बात सुनो, ऑस्मोसिस की वजह से यहां पर प्रेशर पैदा होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर मैं यहां हाथ रखूं तो क्या मुझे प्रेशर फील होगा? उसको बोलते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको पाई बोलते हैं, और फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं सीआरटी, जहां सी का मतलब बता चुका हूं मैं, आर का मतलब बता चुका हूं, टी का मतलब बता चुका हूं। अब यहां पर कुछ टर्म्स हमें सीखना है फटाफट। क्या क्या टर्म है? देखो पहला टर्म ये होता है ऑस्मोसिस, सीख गए ऑस्मोटिक प्रेशर, सीख गए। अब कुछ टर्म्स होते हैं जैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या नाम है? आइसोटोनिक। तो देखिए अगर मैं बोलूं आपसे, सुनते रहना बस कि मेरी बात सुनो ध्यान से, इधर भी प्योर रख दूं मैं, इधर भी प्योर वाटर, क्या रख दूं? प्योर वाटर, प्योर वाटर। तो आप ऐसा मान सकते हैं अगर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो जितना पानी का फ्लो इधर होना चाहेगा उतना ही इधर, मेरी बात समझे? वैसे पानी का फ्लो तो होना ही नहीं चाहेगा, दोनों ही प्योर है। पर इसका अगर और बेस्ट एग्जांपल में रखूं तो ऐसा मान लो कि हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक है सॉल्यूशन ए और एक है सॉल्यूशन बी। अगर दोनों का प्रेशर सेम हुआ, इसका प्रेशर मान लो चार, इसका प्रेशर भी कितना है? चार, तो हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो उनको बोलते हैं हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इनके डेफिनेशन के नोट्स मैं आपको इजीली दे सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बात करते हैं, अगर हमें टर्म समझना है आइसोटोनिक के बाद, एक है हाइपरटोनिक। क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसके बारे में कोई बता सकता है मुझे? एक होता है हाइपोटोनिक। क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब मेरी बात सुनो, दो सॉल्यूशन हो, मान लो एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है बी। अगर ए का, अगर इसका प्रेशर ज्यादा है, मान लो ए का प्रेशर ज्यादा है, जिस सॉल्यूशन का प्रेशर ज्यादा होता है उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और ऐसा सॉल्यूशन, मान लो यहां पर सेम सिचुएशन है ये ए और ये बी, मान लो इसका प्रेशर कम है तो बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाइपोटोनिक। क्या बोलेंगे? यानी जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। फटाफट नोट कर लो सारी बातें, ना भूल जाओगे, ठीक है? फटाफट नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट इट डाउन। चलिए ये छोटी मोटी बातें लिखने के बाद एक लास्ट टॉपिक हम बात करते हैं इसके ऊपर। देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस, ये एग्जाम में आता है कई बार। इससे क्या होता है? हम समुंदर के पानी को पीने योग्य बना सकते हैं। क्या बोला मैंने? समुंदर के पानी को पीने योग्य। तो एक फिल्टर मेथड है ना, सी वाटर को प्योरीफाई करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस, या इसको बोलते हैं हम प्यार से आरओ, जो तुम्हारे घर में लगा होता है, पढ़ा आप लोगों ने? आरओ होता है ना घर में, आरओ। तो कैसे काम करता है? देखो बड़ा आसान है। एक तरफ भरते हम समुंदर का पानी, देखो इस तरफ है समुंदर का पानी, कौन सा पानी? तो यहाँ पर है नमक का पानी, नमक वाला पानी समुंदर का, जो पी नहीं सकते, ठीक है ना, समुंदर का पानी, इसको रख सकते हो सी वाटर। और इस तरफ एक तरफ रखते हैं हम प्योर वाटर। क्या रखते हैं? एक तरफ प्योर वाटर, जो हम बिस्लरी या कहीं से खरीद लेंगे और डाल देंगे। अब दिक्कत यह है कि जैसी यहाँ पर लगाएंगे हम SPM, क्या लगाएंगे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या करेगा? उल्टा कर देगा। ये क्या करेगा? प्योर इधर फ्लो कराएगा। घाटा की फायदा? घाटा, क्योंकि ये प्योर को अपनी तरफ खींचेगा ना। तो हमने क्या किया? हमने एक दिमाग लगाया, हमने क्या किया, यहां पर प्रेशर मान लो, इस तरफ जो प्रेशर है कौन सा प्रेशर होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो फिनोमेना है ऑस्मोसिस है, इसका जो प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। मान लो ये प्रेशर है चार का, कितने का है? तो हमने अब क्या करते हैं, इधर लगा देते हैं हम पांच का। क्या लगाते हैं? या छह का लगाएंगे। उससे क्या होगा? अब पानी का फ्लो उल्टा हो जाएगा। क्यों उल्टा हो जाएगा? क्योंकि इससे ज्यादा प्रेशर लगा दिया। तो पहले जो फिनोमेना था वो था ऑस्मोसिस, अब क्या ये रिवर्स ऑस्मोसिस। अब बताओ क्या होगा? अब जो पानी के मॉलिक्यूल है वो इस तरफ जाएंगे। तो इसका लिखा हुआ मैं आपको दे दूंगा, नोट्स दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, मैं बोल दे रहा हूं, लिखना तो लिखना, कुछ नहीं होता। व्हेन अ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, द वाटर मॉलिक्यूल फ्लोस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो। पहले लो तो हाई था, अब क्या हो गया? हाई से लो। दिस फिनोमेना इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस एंड सी वाटर इज ट्रीटेड बाय दिस फिनोमेना। डिसिलेशन कहते हैं उसको, ठीक है, जो भी कहते हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, फिर हम आगे बढ़ते फटाफट एबनॉर्मल मास और वेंटो फैक्टर की तरफ। फटाफट नोट कर लो। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक क्या है देखो ध्यान से, अब लास्ट टॉपिक है एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है, मोलर मास मतलब क्या है? नॉर्मल नहीं है मोलर मास। देखो जैसे मैंने कहा, सुनो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ऐसा, डेल्टा टीबी बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेट होना बढ़ना, वो होता है के बी इंटू में मोलालिटी। क्या होता है? मान लो ये पानी है, पानी, और पानी के अंदर हमने डाल दिया नमक। क्या डाल दिया? नमक डाल दिया। और हमने कहा भैया पानी का बॉइलिंग, पहले अगर खाली पानी हो, नमक ना हो, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री। 100 डिग्री पर पानी बॉइल होता है, पता आप लोगों को?
लेकिन अगर हम पानी के अंदर नमक डाल देंगे ना तो 102 डिग्री पर पानी बॉइल होगा, मान लो कितने पर होगा, तो कितना इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया बताओ, दो से। तो डेल्टा टीवी कितना आ गया, दो, कितना आ गया। फिर यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट होता है, कॉन्स्टेंट जो एग्जाम में दिया होगा, ये पुट कर देंगे। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, क्या होता है मोल्स, मोल्स का मतलब होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, सॉरी मोलैलिटी है ना, मोलैलिटी। तो देखो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, समझा रहा हूँ मैं, देखो जो मोलैलिटी होता है स्मॉल एम, ये होता है मोल्स और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब मोल्स के अंदर क्या होता है, अब मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, क्या होता है, यानी मोलैलिटी के अंदर क्या आता है, मॉलिक्यूलर मास, नहीं समझे, मोलैलिटी के अंदर होता है मोल्स और मोल्स के अंदर होता है मोलर मास। तो हमने क्या किया, हमने ये सब नोट कर लिया कि भाई यहाँ पर दो आएगा वैल्यू, और यहाँ पर हमने सब वैल्यू पुट करा, और यहाँ से निकाला हमने मोलर मास, क्या निकाला, जब हमने मोलर मास निकाला तो सही नहीं आया, गलत आया। तो हमने कहा भैया ये जो फॉर्मूले आपने पढ़ाए हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले, चार फॉर्मूले, कितने फॉर्मूले, वो सारे बेकार हो गए, क्योंकि मोलर मास नॉर्मल नहीं आता, कैसा आता है, एबनॉर्मल। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो भी आपने फॉर्मूले पढ़े हैं, जैसे डेल्टा टी वी इजिकल टू के बी इंटू मोलैलिटी, फिर आपने पढ़ा डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू मोलैलिटी, फिर आपने पढ़ा पी ए नॉट माइनस पी टोटल बाई पी ए नॉट इजिकल टू एक्स बी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। फिर आपने क्या पढ़ा बताओ, आपने क्या पढ़ा एक और, पाई इजिकल टू सी आर टी। इन सभी फॉर्मूले से जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, गलत, इन फॉर्मूले से आंसर सही नहीं आ सकता। अब रीजन क्या है भाई, एब नॉर्मल मोलर मास आने के पीछे रीजन क्या है, सही मोलर मास क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये सारे के सारे है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, क्या ये, और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इस बात पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है। जैसे कि हम नमक को NaCl को एक पार्टिकल मानते हैं, बोलते भाई एक है, पर रियल में ये Na प्लस और Cl माइनस में टूट के एक और एक कितने जाते हैं, दो पार्टिकल। अगर दो पार्टिकल हो गए और आपने फॉर्मूला किसके लिए बनाया था, एक पार्टिकल के लिए, और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है, नेचर पर डिपेंड नहीं करता, किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ, यानी पहले हम एक मान रहे थे, एक्चुअली में कितने हैं वो, यानी ये जो फॉर्मूला एक के लिए है तो इसको दो से मल्टीप्लाई करो तब आंसर सही आएगा, मेरी बात समझे, समझ पा रहे बात को। यानी कि जो एब नॉर्मल मोलर मास है वो किस वजह से आता है, तो एब नॉर्मल मोलर मास इस वजह से आता है, या तो डिसोसिएशन, क्या आता है, डिसोसिएशन, या तो एसोसिएशन। अगर मान लो मैंने कहा, मैंने दो पार्टिकल भेजे, मैंने ए और बी को भेजा, मैंने कहा भाई मैं दो पार्टिकल भेज रहा हूँ सॉल्यूशन के अंदर, वो जाके जुड़ गए, अब वो एक बन गए, तभी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चेंज, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होते ही इनसे आने वाले आंसर भी क्या हो जाएंगे, चेंज, क्योंकि ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, क्या ये। तो इसके पीछे मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एबनॉर्मल मोलर मास, क्या रीजन है, डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। तो इसके लिए वेंटॉफ साहब आए, जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, वेंटॉफ, वेंटॉफ ने बोला कि यार कुछ मत करो, जितने भी फॉर्मूले हैं डेल्टा टी वी के वी इंटू मोलैलिटी, इनको क्यों बर्बाद करना, इनमें मल्टीप्लाई कर दो बस, जो भी कमी है के एफ इंटू एम, या पाई इजिकल टू सी आर टी है, या फिर पी ए नॉट माइनस प्रेशर टोटल बाई पी ए नॉट इजिकल टू एक्स बी, इन सबके अंदर एक चीज मल्टीप्लाई कर दो आई, और इसी आई को बोला गया वेंटॉफ फैक्टर, मतलब हमें अब आई निकालना सीखना है बस। तो आई निकालने का तरीका बता दे रहा हूँ मैं आपको, आई का फॉर्मूला होता है वन प्लस एन माइनस वन अल्फा, ये किसके लिए होता है, डिसोसिएशन के लिए, किसके लिए होता है, डिसोसिएशन। और आई का एक और फॉर्मूला होता है वन प्लस वन बाई एन माइनस वन अल्फा, जब एसोसिएशन हो मतलब जुड़ जाए, ये होता है एसोसिएशन के लिए, किसके लिए, एसोसिएशन के लिए। अब इसका मेरी बात समझे, अब तुम बोलोगे सर मुझे एन तो पता नहीं, एन मतलब पार्टिकल, जैसे मैंने कहा दो पार्टिकल है एन टू हो गया, यहाँ भी एन कितने हो जाएंगे टू, छः पार्टिकल, एन कितने हो गया सिक्स, यहाँ भी कितने हो गए, बस इसमें जुड़ रहे होंगे पार्टिकल, इसमें टूट रहे होंगे। अब अल्फा क्या होता है, अल्फा तो अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, थोड़ा अल्फा के बारे में बात करते हैं, तो अल्फा इज बेसिकली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन, जहां पर अल्फा का फॉर्मूला दो होता है, परसेंट ऑफ डिसोसिएशन एक फॉर्मूला होता है ये, ठीक है, बाई हंड्रेड एक ये फॉर्मूला है अल्फा का, जो आप न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करेंगे अल्फा निकालने के लिए, एग्जाम में दिया होगा, जैसे बोला होगा कि भाई 20% टूटा, कितना टूटा है, 20% टूट गया या 20% जुड़ गया, डिसोसिएशन भी हो सकता है यहाँ पर, और क्या हो सकता है, एसोसिएशन भी हो सकता है, एसोसिएशन। तो अगर आपको कुछ भी दिया हो तो कुछ नहीं, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो डिसोसिएशन का या फिर एसोसिएशन का, 100 से डिवाइड कर दो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि भाई मेरा 20% टूट गया है, अल्फा कितना होगा, तो ऊपर 20 लिख देंगे, नीचे 100 लिख देंगे, आंसर कितना आ गया, 1/5 आ गया। तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। वैसे अल्फा का एक और फॉर्मूला होता है, वो डिसोसिएशन कांस्टेंट के टर्म्स में होता है, ये जनरल फॉर्मूला जो आमतौर पर यूज होता है, यहाँ पर होता है कांस्टेंट के और नीचे होता है मोलैलिटी, क्या होता है, मोलैलिटी। तो ये क्या होता है, ये हमारा होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। मेरी बात समझे नहीं समझे, तो ये हो गया हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर कभी भी अगर किसी क्वेश्चन में अल्फा ना दिया हो, अगर किसी क्वेश्चन में अल्फा ना दिया हो तो अल्फा की वैल्यू हम ऑटोमेटिक 1 लेते, क्या लेते, तो सारा कुछ नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ते। तो दिस इज द एंड ऑफ द, ऑलमोस्ट एंड ही हो गया चैप्टर का, प्रकार से चैप्टर हमारा बिल्कुल एंड हो गया। अगर आपको डेफिनेशन जानना है तो मैं नोट्स ना
आप कमेंट करो, मैं नोट्स उसमें डाल दूंगा। वैसे ऑलरेडी अगर इस स्टेज पे आप पढ़ रहे हो तो आपके पास नोट्स होंगे, तो डेफिनेशन आप वहाँ से लिख सकते हो, अदरवाइज आप बोलना, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में नोट्स डाल दूंगा। और दूसरी बात ये, अगर इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो मैं क्वेश्चंस की वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ आज, आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपका चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा।